नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आपने एटीएम मशीन बहुत सारे देखे होंगे और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मिल्क एटीएम मशीन। और चलिए हम आपको दिखाते हैं, यहाँ ये है कान्हा मिल्क एटीएम मशीन, भरवलिया बुजुर्ग, तारामंडल रोड, गोरखपुर। ये इनका मोबाइल नंबर है। तो ये मिल्क एटीएम मशीन है, यहाँ पर पैसे डाल करके आप दूध ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी सुविधा है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि क्या प्रोसेस है, कैसे दूध निकलता है, या फिर जो मशीन है उसकी सफाई कैसे होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए गए हैं। ये है मनी का फीचर्स है, यहाँ पे आप 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये डाल करके आप दूध निकाल सकते हैं। प्रेस यहाँ पे 10, 20, 50 जो भी डालना है आप डाल दीजिए, यहाँ पे प्रेस कर दीजिए बटन को। और कार्ड होता है, कार्ड इशू हुआ है तो कार्ड यहाँ पे स्कैन कीजिए और आपका दूध जो है निकलना शुरू हो जाएगा। एक प्रोसेस तो ये हो गया आपका। दूसरा है क्या कि आप कॉइन डालिए, कॉइन 10 रुपये और 5 रुपये का कॉइन जो है कि ये कैप्चर करता है। तो आप 5 रुपये और 10 रुपये का कॉइन यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे ही आप कॉइन डालेंगे आपका मनी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, यदि आप 10 रुपये एक बार डाला तो आपने यहाँ 10 रुपये ऐड हो जाना है। 20 आपने दो बार डाला या फिर 5 रुपये डाल दिए, 25 रुपये, तो यहाँ पे 25 रुपये ऐड हो जाएगा। फिर आप हैज दबाइए और यहाँ पे आपका दूध निकल जाएगा इस जग में। फिर यहाँ पे जो ऑनर हैं इस शॉप के, इस एटीएम मशीन के, वो यहाँ पे सुविधा दिए हैं। यहाँ पे जो प्लास्टिक रखे हुए हैं जिसमें आप कैरी कर सकते हैं दूध को, उसमें डालें फिर पैक किए आप लेकर के चले गए। तो एक सुविधा ये हो गई। तीसरा क्या है, यहाँ पे नोट है, आप यहाँ पे नोट डालेंगे, नोट डालते ही मशीन जो है कि कैप्चर कर लेगी आपने कितने रुपये डाले हैं और उसके बाद फिर आप हैज दबाइए और आपका दूध निकल जाएगा। तो ये है इतना प्रोसेस। अब चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं कि जो मशीन है वो कैसे वर्क करता है और इसकी सफाई कैसे होती है। आइए। तो देखिए, मशीन अभी ऑन है और ये धुला गया है। सुबह का टाइम है कि हर टाइम जो है कि मशीन को धुला जाता है, उसके बाद जो है कि दूध पड़ता है, ठीक है। तो अभी जो ये घूम रहा है आप देख पा रहे हो, दूध जब एक जगह एकत्रित रहेगा तो नीचे क्या है, मलाई पड़ जाना है। मलाई पड़ जाने से जो दूध का जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है। तो ये चलता रहता है, दूध को मलाई नहीं जमने देता है, उसका ठक्का नहीं जमने देता है। और साथ ही साथ जो ये मशीन है तो दूध को कूलिंग करता है एक टेम्परेचर तक, जैसे कि 2 से 4 डिग्री तक दूध जो है ख़राब नहीं होता है। तो 2 से 4 डिग्री मेंटेन रहता है। जैसे ही 2 से 4 डिग्री तक, मान लीजिए 2 डिग्री तक आया, तो मशीन बंद हो जाती है। फिर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो जो मशीन है फिर से स्टार्ट हो जाती है, कूलिंग फीचर इसका जो है फिर से स्टार्ट हो जाना है। और ये मेंटेन कर देता है दूध को एक टेम्परेचर तक, जिससे कि दूध ख़राब नहीं होता है, ताज़ा का ताज़ा ही रहता है। और ये जो सुविधा है, ये मलाई भी नहीं जमने देता है, साथ ही साथ बर्फ़ भी नहीं जमने देता है, क्योंकि लगातार जो घूमता रहता है वो बर्फ़ भी नहीं जमने देता है। जैसे जब भी हम लोग यहाँ से जब दूध लेंगे वहाँ से, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे होल दिया गया है और इस रास्ते दूध निकलता है। तो अभी दूध पड़ने जा रहा है और हम देखिए, यहाँ पे कपड़ा बांधा गया है पहले ही, जो है कि छन्नी का काम कर देगा, जाली का काम कर देगा। और यहाँ पर दूध पड़ गया है इसमें। ये जो टैंक होता है मशीन का, 200 लीटर का होता है। और यदि पर डे 200 लीटर दूध सेल हो जाता है, बिक जाता है, तो महीने का 1 लाख कहीं नहीं जाएगा, यानी कि सीधा सीधा 1 लाख का प्रॉफिट होगा इस मशीन से। अब ये बंद हो जाएगा और आगे से दूध फिर निकल जाएगा। तो देखिए, अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं यहाँ पर कार्ड से कैसे दूध निकलेगा। तो जितने रुपए का चाहिए आप मनी प्रेस कीजिए। तो जैसे कि ये भाई साहब निकालना है, आपको बताएंगे। ये देखिए, 50 रुपये इन्होंने प्रेस किया है और कार्ड स्कैन किया और यहाँ से दूध निकलना शुरू हो गया 50 रुपये का। तो दोस्तों, 50 रुपये का दूध निकल चुका है और फिर 20 रुपये का निकल रहा है। तो देखिए, वेट भी दिखाएगा कि कितना, जितने रुपए का आप लेंगे उतना वेट दिखाता रहेगा। जैसे कि यहाँ पर अभी 20 रुपये का निकल रहा है, तो ये 20 रुपये का देखिए कितना दिखा रहा है, 434 ml है। तो अभी 90 रुपये का दूध निकला है और 90 रुपये का दूध निकल चुका है कार्ड के द्वारा और आपके सामने, आपके आँखों के, आपने खुद देखा। अब हम बताते हैं कि सिक्के से कैसे दूध निकलेगा, आप कॉइन डाल करके कैसे दूध निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अब जो है कि आपको हम सिक्के से दिखाएंगे कि कॉइन से आप कैसे दूध निकाल सकते हैं।
जैसे कि कॉइन यहाँ पर हम डालेंगे, जैसे कि मैंने बताया है अभी, और यहाँ पे मनी ऐड होता जाएगा। तो अब जो है कि हम कॉइन डालते हैं, ये 10 रुपये का कॉइन है हमने डाला, यहाँ पे दिखाइएगा, जब पास हमने 10 रुपये कॉइन हमने डाला और यहाँ पर देखिए 10 रुपये ऐड हो गया है। हमें निकालना 80 रुपये का दूध, तो फिर से हम डालते हैं 10 रुपये और यहाँ देखिए 20 रुपये ऐड हो जाएगा। ऐसे ही मनी आपका ऐड होता रहेगा जितने कॉइन आप डालेंगे। ये देखिए 30 रुपये हो गया, इसी तरीके से 40 रुपये हो गए। अब हम आपको दिखाते हैं यदि 5 रुपये का कॉइन डालेंगे क्या वो भी ऐड होगा या नहीं। ये 5 रुपये का कॉइन है और 5 रुपये हमने डाला और यहाँ देखिए 40 था अमाउंट, अब 45 हो गया है। फिर से हमने 5 रुपये डाला, अमाउंट जो है बढ़ के 50 हो गया है। इसी तरीके से 10 का और डाल देते हैं हमने, ये देखिए 60 रुपये हो गया है, ये देखिए 70 हो गया। 70 रुपये का भी हम निकालते हैं और आपको दिखाएंगे कि 10 रुपये का भी निकल जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे निकलना शुरू हो गया है 70 रुपये का दूध। वेट भी यहाँ पे दिखाएगा, देखिए वेट जो है 1.478 लीटर जो है निकला है 70 रुपये में। हम 10 रुपये का और निकालते हैं, जैसे कि उदाहरण के रूप में कोई स्टूडेंट है, अकेला रहता है और ये सुविधा यदि उसके आसपास है तो कितना बेहतरीन होगा। फॉर एग्जांपल यदि चाय पीने का मन कर रहा हो तो पैकेट वाला दूध लेने जाएंगे तो 24 रुपये का मिलता है कम से कम छोटा वाला। अगर आप चाय बनाना हो तो 10 रुपये का भी दूध आ करके ले सकते हैं। तो 10 रुपये हम डालेंगे और मनी अब 10 रुपये ऐड हो जाएगा। उसके बाद फिर हमें हैश प्रेस कर देना है और दूध आराम से निकल जाएगा। तो एक अगर कोई अकेला रहता है उसके लिए काफ़ी बेहतरीन होगा कि उसके लिए पैकेट वाला दूध ना लेकर के 10 रुपये का दूध भी आ करके ले सकता है। अब ये दूध निकल जाएगा और यहाँ पर रखा हुआ होता है पैकिंग के लिए, जो पॉलीथीन होती है वो यहाँ पर ऊपर रखा है और यहाँ पर पैक हो जाएगा। तो अभी भाई साहब पैक कर रहे हैं। फिर आप अपने दूध को ब्लैक पॉलीथीन में रख करके कैरी कर सकते हैं, कैरी बैग में फिर आप आराम से ले जा सकते हैं। तो भाई साहब दूध लेने आए हैं, आप कब से दूध लेने आते हैं? डेली आते हैं। दूध की क्वालिटी क्या रहती है? बहुत बढ़िया रहती है, बहुत अच्छी रहती है। आपको अच्छी लगती है? बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, ऐसे दूध डेली हम भी ले जाते हैं, लेकिन जो भी कस्टमर आए हैं हमने उनसे पूछ के दिखाया कि दूध की क्वालिटी क्या होती है। तो मतलब कभी दूध ऐसा नहीं होता कि आप ले जाएं फट जाए कुछ और जाए, नहीं घर की तरह। तो ये सुविधा काफ़ी अच्छा है और मुझे लगता है कि हर जगह जो है कि ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए, हर शॉप पे हर जगह ऐसी सुविधाएं ज़रूर होनी चाहिए। तो दोस्तों आज जो है कि हम आपको दिखाएं कि मिल्क एटीएम मशीन कि कैसे वर्क करता है, और मुझे लगता है हर एक गांव में मनी एटीएम मशीन हो या ना हो लेकिन मिल्क एटीएम मशीन ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी फ़ायदेमंद लग रहा है हमें और काफ़ी आसान है इसे यूज़ करना, जो कि कभी भी किसी भी टाइम किसी को दूध जरूरत पड़ती है तो आराम से ले सकता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।